नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा बर्फ़ है वो हमारी जो हमारी बर्फ़ है वो क्यों पिघलती है, और जो हमारा पानी गर्म रहता है वो क्यों थोड़े कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा होता किस वजह से है, ये एक ही लॉ से संबंधित हैं जो कि हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है। जीरोथ लॉ ऑफ डायनमिक अब क्या कहता है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों बॉडी ए है, बॉडी बी है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। इसका तापमान मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान दोनों एक जैसा होने की कोशिश करेंगे। ये गर्म है, थोड़ा सा गर्म है, ये इससे कम है, तो ये इसको 10 डिग्री दे देगा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और इधर 60 हो जाएगा। दोनों एक जैसा बनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कहता है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बताता है। इसी तरह हमारा जो है बर्फ़ का उदाहरण लेते हैं कि हम क्यों जो है बर्फ़ जमी रहती है और क्यों पिघल जाती है, और जो हम फ्रिज से पानी निकालते हैं वो ठंडा रहता है, कुछ समय के बाद वो भी रूम टेम्परेचर पे आ जाता है या कुछ गर्म हो जाता है। जैसे ये हमारी बर्फ़ रहती है, फ्रिज से हम लोग निकालते हैं, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और रूम टेम्परेचर रहता है हमारा 25 से 30 के डिग्री में, हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये जो तापमान है 25, ये एक जैसा होने की ये भी कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से ये जो है अपनी इसको सारी एनर्जी इसको दे देता है, जीरो डिग्री है वो इसको दे देता है, या तो 25 डिग्री, दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे अपना। कि ये ठंडा है तो ये गर्म होने की कोशिश करेगा, और जो ये गर्म है ठंडा होने की कोशिश करेगा। तो यही हमारा कहता है थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ, यही हमें बताता है। इसी वजह से जो है उदाहरण हम देखते हैं कि जो हमारा पानी रहता है गर्म रहता है और थोड़ी समय के बाद ठंडा क्यों हो जाता है। अब जैसे ये पानी हमारा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये उबल रहा होता है, इसको हीट दी जाती है, हीट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, रूम का टेम्परेचर जो रहता है वो 25 रहता है। तो इसी वजह से ये भी दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं और एक जैसा होने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो 100 डिग्री का पानी रहता है, थोड़े समय के बाद हमारा ये पानी इतना गर्म होने के बावजूद थोड़े समय के बाद ये ठंडा हो जाता है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कि बर्फ़ क्यों पिघलती है और फ्रिज से पानी निकालने पर क्यों जो है वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, और जो है गर्म हमारा पानी जो है 100 डिग्री जो उबला रहता है वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो इसी जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, इसका जो है एप्लीकेशन है वो है, इसका एप्लीकेशन जो है थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर पेपर में पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो क्या है, थर्मोमीटर जो है इसी का एप्लीकेशन है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।